तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जेडीपी क्लासेस। आज की क्लास बच्चा जी प्लस टू साइंस के लिए टॉपिक का नेम है बोहर मैग्नेटन, या हम इसको ये कह सकते हैं, जहां हम ऐसे बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब इसको बोहर मैग्नेटन क्यों बोला है वो भी समझेंगे इसी टॉपिक के अंदर, इसी बात को पूरे अच्छे से हम कवर अप करेंगे। बोहर मैग्नेटन क्यों बोला है याद रखना दिमाग में, क्वेश्चन है तो अभी करें इसको स्टार्ट। कभी कैसे करेंगे बच्चे, कॉपी और पेन रखे हाथ में और प्रॉपरली नोट्स बनाना। तो करेंगे कैसे, देखिए बोला क्या है, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में, तो इसका मतलब एटम मींस व्हाट, एक न्यूक्लियस है, उसके जो आसपास जगह है वहां पर क्या है हमारे पास, ऑर्बिट्स। क्या है? ऑर्बिट्स। तो ऐसे सभी के सभी ऑर्बिट्स हैं इस न्यूक्लियस के पास। तो ये कौन सा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड। तो थोड़ा सा दिमाग में अभी आइडिया आ गया होगा बोहर मैग्नेटन मींस कि हम कुछ बोहर की थ्योरी को लेकर चलेंगे, ओके। तो वो भी समझेंगे कैसे, बट स्टार्ट कैसे करेंगे बच्चा जी। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मींस किसी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, जैसे अभी इस इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा मैं, तो ये पहले ऑर्बिट में है तो इसका मतलब पहले को लेकर चलेंगे। अगर सेकंड के इलेक्ट्रॉन की बात है तो सेकंड वाला, और थर्ड की है तो थर्ड वाला। तो ये क्या है, n इक्वल्स टू वन, n इक्वल्स टू टू, n इक्वल्स टू थ्री। और ये n नंबर्स क्या है कि कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम, किस वाले ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, अभी ध्यान में रखना। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करनी है। तो पहले देख लिया जाए बच्चा जी कि कंपैरिजन कैसे होगा। पढ़ क्या रहे थे हम, कोई कॉइल है, ऐसे करंट जाएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, तो ये ऊपर वाला वर्जन बन जाएगा बच्चा जी, ऊपर वाला फेस बनेगा साउथ पोल और नीचे वाला बनेगा नॉर्थ। तो यहां से ऐसे जाएगी, क्या ऐसे है करंट, तो इसका मतलब सेंटर से ये डायरेक्शन बना दी मैंने ऐसे, तो सेंटर से क्या हुई मैग्नेटिक फील्ड जाएगी और बाहर से वापस और इधर से ऐसे, तो साउथ टू नॉर्थ जो जा रही है वो क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो कितनी है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी जा रही हैं, उसी पर डिपेंड होगी डाइपोल मोमेंट कितनी आएगी, क्लियर। तो अभी हम करेंगे कैसे इसको बच्चा, ध्यान से सोचना। अभी ऊपर वाला साउथ बन गया, नीचे वाला नॉर्थ बना, तो अभी ये क्या है, ये है करंट, ओके। इसका कंपैरिजन करें इसके साथ, तो ये मूव कर रहे हैं जो, ये सभी के सभी क्या है इलेक्ट्रॉन्स, किस साइड को जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस साइड को गया तो करंट किस साइड को हुआ, इस साइड को। तो पूरा पूरा इसका मतलब अगर मैं पहले ऑर्बिट की बात करूं तो ये ऊपर वाला बन गया साउथ, तो नीचे वाला क्या बना नॉर्थ, क्लियर हो गया, कंपैरिजन बन गया। तो हो गया तो बच्चा जी पूरा ये जो हमारी डेरिवेशन थी ये भी सॉल्व हो गई। तो अब देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है बच्चा जी, अभी मैं किसकी बात करूंगा, पहले इलेक्ट्रॉन की पहले बात करूंगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन में है तो इस वाले इलेक्ट्रॉन का मीन्स ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू क्या है, 1 पहला इलेक्ट्रॉन है, ओके। और e की वैल्यू, e क्या है, इलेक्ट्रॉन किस में है, इसमें e की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ किलो। हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पता है, वो क्या होती है बच्चा जी, एन इंटू आई इंटू ए। अभी ये एन क्या था, ये था अम्पेयर टर्न्स, कितने टर्न्स थे उसके, ओके। अभी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो बच्चा जी इसमें इस बात को लिखने की जरूरत है कोई नहीं है, देन तो हमें सिंपल क्या पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, अभी यहां पर इस वाले केस के लिए आई इंटू ए, ओके। तो अभी ये क्या हुआ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, करंट कितना है और ये कितना है। अभी करंट किससे आएगा, करंट आएगा इलेक्ट्रॉन से, इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, उधर फिर करंट क्या होगा, ई अपॉन ई टाइम, डन। तो ये करंट हो गया, पहले वाले शेल की बात हो रही है, पहले वाले ऑर्बिट की बात हो रही है, ओके। तो इसकी वैल्यू यहां पर लिखे तो एम की वैल्यू क्या बनेगी, ई अपॉन टी, साथ में आ गया एरिया, एरिया क्या, अभी पहले की बात है तो यहां से लेकर यहां तक का पहले ऑर्बिट का एरिया क्या बना, पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस क्या आ गया आर, तो एरिया क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर, ई अपॉन टी साथ में आ गया पाई आर स्क्वायर, ये बन गया एम।
क्लियर, इतना हो गया क्लियर आपको। अभी हो सकता है आपको टाइम गिवन ही ना हो क्वेश्चन, ओके, टाइम गिवन ना हो, टाइम क्या है, अभी टाइम पीरियड है इसका, ओके, तो वो ना गिवन हो तो आप एट दैट टाइम क्या करोगे बच्चा जी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नो दैट ओमेगा क्या होता है, 2π × f, इसको हम मैथ में पढ़ते हैं, ओमेगा क्या है, अभी एंगुलर वेलोसिटी है, कितनी तेजी से ये घूम रहा है, और फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसीज आ रही है, कि एक सेकंड में कितनी बार घूमा, सिंपल सी बात है। तो बच्चा जी एट दैट टाइम हमें क्या पता ओमेगा की वैल्यू क्या बनेगी, इसको हम अभी इसको मैथ में ऐसे लिखते हैं और फिजिक्स में लिखेंगे ऐसे म्यू, ओके, तो ये क्या बनेगा, अभी म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/T होती है फ्रीक्वेंसी, तो ये बना कुछ, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 2π/ω, तो इसकी वैल्यू यहां पर फिल करेंगे, तो एम की वैल्यू क्या बनेगी, E/2π, नीचे था अभी क्या, टी की वैल्यू लिख दी हमने क्या, 2π/ω चला गया ऊपर, तो यहां पर रह गया पाई आर स्क्वेयर, पाई के साथ पाई गया, तो क्या रहा 1/2 E/ωr² = m, ये क्या बन गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, किसकी बनी हुई है, किस इलेक्ट्रॉन की, अभी किस वाले इलेक्ट्रॉन किस में था, ये पहले शेल में था, जिस भी शेल की बात होगी तो उसका आप नंबर साथ में लगाते जाओ, पहले में वाले की बात थी, दूसरे की, तीसरे की, तो वो एल साथ में आता जाएगा, तो यहां पर ये डायपोल मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्लियर है। अभी इसको आप नहीं लिखोगे, अभी यहां पर मैं नहीं समझाऊंगा आपको, सिंपल मैंने समझा दिया एक इलेक्ट्रॉन की, तो वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपके सामने है, इसके बाद क्या करेंगे बेचारी, ये तो क्लियर हो गया, अब हमें ये बोहर मैग्नेटन क्लियर होना चाहिए, तो वो क्या है, उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, बोहर की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो भाई साहब बोहर साहब ने क्या बोला था वो समझे हम पहले, सो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी बेचारी, एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का जिस भी ऑर्बिट में वो घूम रहा है वो किसके बराबर होता है बच्चा जी, एन इंटू ये का एंटैंगुलर मल्टीपल, अब ये क्या होगा नंबर ऑफ, कौन सा शेल चल रहा है, कौन सा ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ओके, एन इंटू h/2π, एच क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, पढ़ा है ना आप किसके बारे में, और ये हमारे पास नीचे n h/2π, क्लियर। तो अभी इसको ध्यान से समझना बच्चा जी, हमें कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए, वो क्या है 6.634 × 10⁻³⁴ यूनिट भी पता होना चाहिए, यूनिट क्या है अभी इसका, यूनिट निकाल लें, E = h μ, फोटोन, पढ़ा था आपने एनर्जी पैकेट्स, तो एनर्जी के यूनिट क्या बनेंगे बच्चा जी, मास, एनर्जी क्या होगा, फोर्स × डिस्प्लेसमेंट, ओके, ये एनर्जी का यूनिट बन रहा है, फोर्स × डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होगा, मास × एक्सेलरेशन, साथ में डिस्प्लेसमेंट, ओके, मास का क्या बन गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या बनेगा, एक्सेलरेशन का बनेगा m/t² साथ में डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर आएगा, ओके, तो क्या बनेगा अभी किलोग्राम m² / t², ये एनर्जी का हो गया, एच का निकालना है तो म्यू नीचे चला गया, ये ऐसे होगा चलेगा नीचे, तो म्यू क्या बनेगा, एच क्या बनेगा, E/μ, तो ई का यूनिट ये बने, म्यू नीचे आएगा तो बच्चा जी क्या होगा, यहां पर म्यू नीचे कर लें, तो म्यू नीचे जब आ गया तो नीचे म्यू आया, तो म्यू है क्या, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या होता है टाइम का इनवर्स, तो ये नीचे फ्रीक्वेंसी और टाइम आपस में ऐसे होते हैं, मींस ये ऐसे होते हैं, तो बच्चा जी फ्रीक्वेंसी का ऑपोजिट क्या होगा, इनवर्स क्या होगा, टाइम, तो यहां पर ये टाइम ऊपर आ गया, तो ये एक के साथ ये चला गया, तो यहां से हमें बच्चा जी एच का यूनिट आएगा किलोग्राम m² टाइम का इनवर्स, तो यहां पर इसकी वैल्यू के साथ यूनिट लिख दें किलोग्राम m² साथ में टाइम का इनवर्स, डन, टाइम का इनवर्स मीन सेकेंड इनवर्स, डन। तो इसके बाद बच्चा जी क्या होगा हमारे पास, ये आ गया बोहर की थ्योरी, ये बताई हमारे पास, और ये एंगुलर मोमेंटम होता क्या, क्लियर है आपको मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी,
और अभी वो कितने मोमेंटम के साथ किसी शेल के अंदर घूम रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो वो बचा ही क्या बनेगा, उसका एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि शेल क्या है लगातार एंगल चेंज हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम बन गया वो। तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है देखा जाए, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चा जी, एम वी साथ में आएगा आर, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। यहां पर क्या आ गया, एनएच अपॉन टू बाई देन, तो वी की वैल्यू क्या होती है, वी इक्वल्स टू ओमेगा इनटू आर, ये लीनियर वेलोसिटी, ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको यहां पर लिखेंगे तो ये बनेगा ओमेगा आर साथ में एक और आर था इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू बाई, तो यहां से ओमेगा आर की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो वो क्या बनेगा एन एच अपॉन टू पाई साथ में आ गया नीचे एम, ये ओमेगा हमें चाहिए था, ये वैल्यू हमने निकाल ली यहां से, डन है। तो यहां पर ये जो बच्चा एन लगा हुआ है साथ में, ये कौन सा है कि शेल कौन सा चल रहा है। अभी मैं पहले शेल की बात कर रहा था, यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन जो लेकर चला वो पहले शेल का, तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, वन, एन की वैल्यू होगी वन, तो यहां पर एन की वैल्यू होगी वन, डन। तो इसका मतलब ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू बनी एच अपॉन टू पाई साथ में आ गया एम, डन। इसकी वैल्यू यहां पर फिल करें अब हम, तो फिल करेंगे तो वो क्या बनेगा, तो यहां पर फिल की तो ये एम की वैल्यू क्या बनी बच्चा जी, वन अपॉन टू साथ में आ गया ई ओमेगा आर स्क्वायर एच अपॉन टू पाई एम, एच अपॉन टू पाई साथ में एम। अभी इसमें से आप देखिए बच्चा जी कि क्या कोई चीज ऐसी है जो वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट, 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 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। सो देयरफॉर एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो किसी कांस्टेंट के बराबर आएगी, किसके लिए, पहले ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो अब वो अगर पहले का ना हो, अगला हो, उससे अगला हो, तो सिंपल से क्या होगा, एन की मल्टीप्लीकेशन साथ में होती जाएगी। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इसको ये जो चीज लिखी है हमने बच्चा, इसको हम लिखते हैं म्यू बी, ये पूरी चीज को। तो भी ये म्यू बी क्या है, ये है भाई साहब बोहर मैग्नेटन, ओके। तो बोहर मैग्नेटन क्या हुआ बच्चा जी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हुई किसी इलेक्ट्रॉन की जो कि पहले ऑर्बिट में घूम रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, बोहर मैग्नेटन। क्लियर हुई बात, एक यूनिट है ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, किसके लिए, जो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूम रहा है उसका यूनिट क्या है, बोहर मैग्नेटन, डन। और अब ये सिंपल हमारे पास बोहर मैग्नेटन आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, अभी देखो ये बोहर मैग्नेटन बोलते हैं, बोहर मैग्नेटन की कोई वैल्यू भी होनी चाहिए, क्योंकि ये अब किसके प्रोपोर्शनल है, इसके, और इसका यूनिट क्या है, करंट साथ में एरिया मींस एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ओके। तो क्या देखा जाए, इसका भी यूनिट, ये जो हमारे पास म्यू बी है, इसका भी यूनिट क्या यही आएगा, तो फिल करके देखें और इसकी वैल्यू भी देखें, तो वो क्या बनेगी, म्यू बी इक्वल्स टू, म्यू बी की वैल्यू क्या बनेगी बच्चा, म्यू बी देखा जाए वन अपॉन फोर बन गया, वन अपॉन फोर, ई की वैल्यू क्या, 1.6 से 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलम, डन। एच की वैल्यू क्या है, 6.634 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 34, साथ में यूनिट्स क्या है इसके, यहां पर लिखे थे हमने किलोग्राम मीटर स्क्वायर, साथ में है सेकंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर स्क्वायर साथ में है सेकंड इनवर्स, ओके। और नीचे क्या आएगा हमारे पास, पाई की वैल्यू है 22/7, एम की वैल्यू क्या है 3.1 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 31 हो गया। ये हमारे पास क्या हुई, अभी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, 3.1 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 31। अभी क्या करना गया हमने बच्चा जी, सिंपल इसकी वैल्यू को कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकाल कर देखेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा बच्चा जी 9.27 इंटू 10 रेस टू दी पावर माइनस 24, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो साथ में ये तो सिंपल आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा म्यू बी की वैल्यू, बट साथ में यूनिट देखना है कि यही बनेगा, क्योंकि ये क्या है, डिमेंशन एनालिसिस आपने प्लस वन में पढ़ी थी, यूनिट्स दोनों साइड इक्वेशन के सेम होने चाहिए, तो इसका मतलब यहां पर एम्पेयर मीटर स्क्वायर आया तो इसकी भी वैल्यू एम्पेयर मीटर स्क्वायर ही होनी चाहिए,
तो वो कैसे बनेगी? अभी क्या है, किलोग्राम है, यहां पर है किलोग्राम, डन ओके, किलोग्राम आया यहां पर, नीचे भी मास था तो इसका भी किलोग्राम है यहां पर, मास इतना किलोग्राम बनाइए, तो देखा जाए किलोग्राम के साथ किलोग्राम गया, कूलम सेकंड इनवर्स है तो नीचे जाकर सेकंड बन गया, कूलम अपॉन सेकंड करंट बन गया, एम्पीयर आ गया, साथ में मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आ गया, तो म्यू बी क्या बन गया, बी। अभी यहां से हमने बेचारी क्या समझा, यहां से हमने समझा कि बोहर मैग्नेटन क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, जिसकी वैल्यू होती है इतनी, और ये किसके लिए है, जब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें घूम रहा हो, पहले ऑर्बिट में, जैसे ही वो आगे आगे जाता जाएगा तो एन की मल्टीप्लीकेशन आप यहां पर साथ में करते जाओगे, करोगे ना, अभी यहां पर एन की वैल्यू वन रखी थी, अब जैसे आप आगे चलोगे आप क्या करोगे, एन की मल्टीप्लीकेशन करते जाओगे और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आती जाएगी, वो क्या होगा, एन इंटू म्यू इंटू बी। हो गया समझ में आ गई बात बच्चा जी, वो बनेगी m इक्वल्स टू ये m इक्वल्स टू साथ में n की वैल्यू आएगी, यहां पर n की वैल्यू हमने हटा दी थी वो साथ में आनी थी, तो वो क्या आएगा, n साथ में लगेगा तो वो क्या बनेगा, n इंटू म्यू इंटू बी। तो सिंपल सी बात है, कौन से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी तो इसके साथ वो n की वैल्यू आप मल्टीप्लाई करते जाए कि कौन से ऑर्बिट की वैल्यू है, जो इलेक्ट्रॉन हम लेकर चल रहे हैं वो कौन से ऑर्बिट में है, वो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आती जाएगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की। डन, ये हमने समझना था, बहुत मैग्नेटर भी आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। आज एक सिंपल यही टॉपिक हमने करना था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एकमात्र टॉपिक है बच्चा जी जो कि हर बार अपना क्वेश्चन लेकर आता है, ओके, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट भी ओवरऑल डन हो जाता है, आपको समझ में आया होगा तभी आपने इसमें इम्प्लीमेंट किया होगा। तो बच्चा जी हमने आज ये कर लिया, बोहर मैग्नेट कर चुके हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे बार मैग्नेट एज अ सॉलेनोइड, ठीक है, कंपैरिजन करते देखेंगे और देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट बनाता है वही क्या सॉलेनोइड बनाता है, अगर बनाता है तो इसका मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंट हुए कौन से बार मैग्नेट और सॉलेनोइड एक दूसरे के। तो आज के लिए बस इतना ही, खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे और लाइफ को एंजॉय करें बच्चा जी, बाय बाय।